उत्तर कोरिया का क्रूर तानाशाह किम जोंग उन पूरी दुनिया में अपनी तानाशाही के लिए जाना जाता है, लेकिन उनकी बहन किम यो जोंग भी कम नहीं है। हाल में ही उत्तर कोरिया के क्रूर तानाशाह किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन को धमकी दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन को धमकी देते हुए कहा है कि अगर 4 साल चैन से सोना है तो कोई नया विवाद खड़ा ना करें। अमेरिका उत्तर कोरिया से बात करना चाहता है और लगातार कोशिश कर रहा है कि सुलह का कोई ना कोई रास्ता मिल जाए, लेकिन इसके जवाब में उत्तर कोरिया अमेरिका को धमकी देने में जुटा है। किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग ने बाइडन प्रशासन को धमकी दी है कि अगर 4 साल चैन से सोना है तो कोई नया विवाद खड़ा ना करें। दूसरी तरफ अमेरिका दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है और बातचीत करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उत्तर कोरिया लगातार धमकी दे जा रहा है। लगता है उत्तर कोरिया फिलहाल बातचीत करने के मूड में नहीं है। उत्तर कोरिया के तानाशाह जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन को धमकी दे रहे हैं, उससे लगता है कि विवाद और बढ़ने वाला है। पिछले एक महीने से बाइडन प्रशासन उत्तर कोरिया के साथ बातचीत करने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन किम जोंग उन ने उन्हें अहमियत नहीं दी है और अब उनकी बहन किम यो जोंग ने बाइडन प्रशासन को धमकी दी है। उत्तर कोरिया की सरकारी संवाद एजेंसी के अनुसार किम यो जोंग ने अमेरिका और दक्षिण कोरिया के संयुक्त सेना अभ्यास को लेकर निशाना साधा है, क्योंकि उत्तर कोरिया नहीं चाहता था कि दक्षिण कोरिया अमेरिका के साथ मिलकर सैन्य अभ्यास करे। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका के नए प्रशासन की हमारी ओर से एक सलाह है कि वे हमारी जमीन पर बारूद की दुर्गंध फैलाएं ना। उन्होंने कहा कि अगर वे 4 साल चैन की नींद सोना चाहते हैं तो अच्छा होगा कि इस बारूद की दुर्गंध से दूर रहें। अमेरिका की ओर से दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, बातचीत का रास्ता तलाशने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ उत्तर कोरिया की तरफ से हमला किया जा रहा है। उत्तर कोरिया कह रहा है कि अगर 4 साल चैन से सोना है तो कोई नया विवाद खड़ा ना करें, लेकिन अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने सैन्य अभ्यास कर रहे थे तभी उत्तर कोरिया ने उन पर निशाना साधा है। अमेरिका ने इससे पहले कहा था कि वे कुछ ही हफ्तों में उत्तर कोरिया से बातचीत करेंगे। अमेरिका ने कहा कि आने वाले समय में वह उत्तर कोरिया से बातचीत कर परमाणु हथियार कार्यक्रम को लेकर चल रहे विवाद को खत्म करने की कोशिश करेगा, लेकिन ऐसा दूर दूर तक आसान नजर नहीं आ रहे हैं क्योंकि अमेरिका बातचीत करने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ उत्तर कोरिया धमकी देने में लगा है। उत्तर कोरिया ने कहा कि वे जो बाइडन को अमेरिका का राष्ट्रपति मानते ही नहीं है। साथ ही कहा कि दक्षिण कोरिया के साथ मिलकर वह हम पर हमला करने की साजिश रच रहे हैं, लेकिन ऐसा हम नहीं होने देंगे। किम यो जोंग ने कहा कि यदि अमेरिका की जो बाइडन सरकार हम पर हमला करती है तो वे पहले ही सचेत हो जाएं। उन्होंने कहा कि अमेरिका को भी इसका परिणाम झेलना पड़ सकता है, यानी उत्तर कोरिया ने साफ कर दिया कि अमेरिका से बातचीत नहीं होगी। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।